वेलकम टू स्टॉकिंग मूवीज। मेरा नाम है श्रेयस राव एंड इस हफ्ते की सबसे बड़ी मूवी रिलीज है पति पत्नी और वो, इसके बारे में मैं नहीं आपने पूरी दुनिया बात कर रही है बिकॉज इसको अनन्या पांडे, कार्तिक आर्यन एंड भूमि पेडनेकर, जो मतलब काफी डिफरेंट लग रही है। बट लेट्स टॉक अबाउट द मूवी इन जनरल। ये मूवी रिव्यू काफी डिफरेंट है क्योंकि ये तीन डिफरेंट कैटेगरीज में होने वाली है, लाइक, डिसलाइक एंड हार्ट। तो पहले लाइक से शुरू करते हैं। दूसरे लव ट्रायंगल मूवीज की तरह इस मूवी में लड़की को मतलब सैड, मतलब कोई यू नो अबला नारी टाइप नहीं दिखाया गया है, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। इनफैक्ट भूमि पेडनेकर इज बैड एज एएफ। जी हमें सेक्स बहुत पसंद है। अच्छा जी, मतलब पूरी मूवी में शी इज एक्चुअली गॉट सम रियली टफ थिंग्स टू डू एंड शी इज डूइंग द हेवी लिफ्टिंग ओवर देयर। एंड या भूमि पेडनेकर इज एक्चुअली द स्ट्रांगेस्ट पॉइंट इन दिस मूवी। सेकंडली डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, मतलब जिन्होंने भी इस मूवी के डायलॉग्स लिखे हैं प्लीज प्लीज टेक माय थम्स अप, क्योंकि क्या लिखे हैं यार। कर दिया उसका क्या सर, काम और क्या। व्हाट आई डिसलाइक अबाउट द मूवी, अनन्या पांडे, अनन्या पांडे ऐसे नाचती है जैसे एनुअल डे में नाच रहे हो कोई बच्चा, विच इज नॉट कूल बिकॉज यू आर 21 इयर्स ओल्ड, यू शुड बी फिनिशिंग योर स्टडीज। व्हाई आरंट यू doing that, finding movies. Also, she has no screen presence. She's basically playing herself, which is also annoying. So yeah, that is a big dislike. And second thing that I did not like in the movie is that how the supporting cast had nothing to do. Matlab, they've got some great actors to play Bhumi's parents. Kartik Aaryan ke maa-baap to matlab solid actors hai. लेकिन बस थोड़ी बहुत ऐसे ऐसे मूवी को थोड़ा आगे ले जाने के लिए आता है, विच इज नॉट अ कूल थिंग। सो व्हेन यू हैव गुड कैरेक्टर्स इन अ मूवी प्लीज यूज देम टू देयर फुल पोटेंशियल यार। मतलब अच्छे एक्टर्स को देखने में बहुत मजा आता है। वो हमारी पत्नी भाग गई है। भाग गई? हमारी नहीं भगवा दो यार, हम प्यार करते हैं उससे, पत्नी से। What I loved about the movie, अपार शक्ति खुराना, उनके एंट्री सीन में मुझे लगा कि फिर से ये वही प्ले कर रहे हैं हीरो के बेस्ट फ्रेंड, बट ही इज गॉट द बेस्ट लाइंस इन द मूवी। उनके हर एक डायलॉग, उनके हिंदी टीचर को पूरा श्रेय जाता है क्योंकि क्या डायलॉग डिलीवरी है भाई की। जिंदगी में एक होती है हकीकत और एक होती है कपोल कल्पना। कौन? कपोल कल्पना फैंटेसी बे। सुपर अपार शक्ति खुराना, I'm rooting for you. You need a different movie altogether for yourself just to be this hero's best friend. Dislike part 2. Also, Kartik Aaryan, मतलब I really know that you are amazing at giving monologues. मतलब आपके monologues after प्यार का पंचनामा 2 has been incredibly awesome. लेकिन हर मूवी में एक मोनोलॉग जरूरी है क्या? मतलब थोड़ा सा ओवर हो जाता है and it's also unbelievable after a point. Please try something new, please. अपनी खुशी अपने हाथ में होती है रिज़वी। डायरेक्शन के बारे में बात करें तो डायरेक्टर मुदस्सर अजीज ने काफी अच्छा काम किया है आफ्टर हिज लास्ट मूवी हैप्पी फिर भाग जाएगी, जो मूवी मतलब क्यों बनी थी, उसके बाद तो काफी सारे लोग भाग गए थे, लेकिन मुदस्सर अजीज साहब थैंक यू सो मच, आपने काफी बचा लिया अपने आपकी। एंड म्यूजिक ऑफ कोर्स, जो मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। यार मतलब रीमेक के ज़माने में आप 5 गाने की जगह पे 3 रीमेक देने वाले तो क्या होने वाला है। मतलब मैंने पहले तो धीमे धीमे सुना था, विच इज एक्चुअली डूइंग प्रीटी वेल, आई कैन लाइक इट आफ्टर पॉइंट। अखियों से गोली मारी एज यूजुअल एक क्रेडिट रोल का गाना है, जो मतलब ना बनाए तो भी सही होता, लेकिन तीसरा गाना जो उन्होंने रीमेक किया है, मतलब क्यों किया है, मतलब जो मेरा हार्ट ब्रेक हुआ ना उस टाइम पे क्या बताओ, क्योंकि वो जो गाना है हमारा सबका फेवरेट, जो हर क्लब में बजता है लास्ट गाना, हम तो उड़ गए, उसको रीमेक किया है और काफी गंदी तरह से रीमेक किया है। एंड आई जस्ट वांट टू क्राई, वन सेकंड। या सो दैट्स इट। ओवरऑल मूवी मुझे काफी ठीक ठाक लगी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आई वेंट इन विद जीरो एक्सपेक्टेशन। मुझे लगा कि वही चीप कॉमेडी लव ट्रायंगल टाइप होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। काफी अच्छी मूवी है, पूरे थिएटर में बहुत सारे लोग हंस रहे थे, विच मीन्स ऑब्वियसली इट्स अ गुड मूवी। डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। आई वुड हैव रियली लाइक्ड अगर कानपुर और लखनऊ को कुछ ज्यादा दिखाते, यू नो, विद मोर ग्रैंडियर, विद द मोर एसेंस ऑफ द कानपुरियत एंड द लखनवी अंदाज, बट काफी वहाँ पे मतलब इट फॉल्टर्ड। आई डोंट नो, मतलब कानपुर में ऐसे घर भी होते कि नहीं मुझे नहीं पता है, बट या दे शुड हैव शोन बेटर सिटी फॉर श्योर। तो अगर आपको लगता है कि 200 रुपए कुछ ज्यादा ही है इस मूवी को देखने के लिए, डोंट वरी, प्राइम वीडियोस में बहुत जल्द आने वाला है क्योंकि यही है इनके ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर्स, तो ऑब्वियसली यार बहुत जल्द आने वाला है। डोंट वरी, आपको अच्छी लगेगी, टेक माई वर्ड, जस्ट टेक इट एंड गो। बाय। देखो स्टार्स मुझे काफी ओवररेटेड लगते हैं क्योंकि मुंबई के पोल्यूशन में आपको स्टार्स दिखते नहीं है, तो इस मूवी के लिए हम देंगे hats off, sorry, 3.5 hats off. It's a good rating actually, take it.